He's charging for the second. He will get the second. Number 50 arrives for Virat Kohli. And he stands alone aloft on that summit. Nobody else there. And that feeling of achievement will be tinged with a little bit of humility in the fact that he's gone past someone that he absolutely adored. But what a career this is. 50 one-day hundreds. 50. Just let that sink in. हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपने देखा होगा आज सेमीफाइनल पहला खेला जा रहा है, जो खेला जा रहा है मुंबई के ईडन गार्डन, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। सन 2019 में हमें न्यूजीलैंड ने मात इसी तरीके से दी थी, आज उसका बदला हमारी टीम 100% लेगी और सेमीफाइनल से क्रॉस करके फाइनल में जो ट्रॉफी है 33 करोड़ की, वो आज इंडिया के हाथों में 19 तारीख को आ जाएगी। तो देखेंगे किस तरीके का इंडिया ने टॉस जीत लिया है और किस तरीके से वो अपना शुरुआती लक्ष्य रख। इंडिया ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने वाली है और देखेंगे किस तरीके से रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये पांच बैटर क्या प्रदर्शन करने वाले हैं। पिछले मैच नीदरलैंड के खिलाफ पांचों लोगों ने हाफ सेंचुरी मारी थी, तो आज का बहुत ही घमासान होने वाला है मुकाबला। और जिस तरीके से जो मैच चला है वो एक खतरनाक तरीके से लेवल होने वाला है और दिखाएंगे आज, पूरा एक्सप्लेन कराने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं किस तरीके से रोहित शर्मा क्या आप लंबी शतकीय पारी खेल पाएंगे, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल के ये तीनों की तीनों जो बड़े बैट्समैन है, क्या ये एक लंबी पारी खेल पाएंगे आज न्यूजीलैंड के खिलाफ। 19 का बदला हमारी टीम को 100% लेना होगा और लेके रहेगी। इस तरीके से रोहित शर्मा और सुमन गिल ओपनिंग में आए हैं, अब देखते हैं किस तरीके का इनका प्रदर्शन रहता है और कितने रन बनाकर ये क्या टीम को आगे टारगेट कर पाएंगे, क्या टीम का हाई लेवल का स्कोर खड़ा ये दोनों लोग कर पाएंगे। विराट कोहली 50वीं सेंचुरी को पूरा कर पाएंगे इतनी बिग बड़ी टीम के साथ, क्या सुमन गिल सेंचुरी कर पाएंगे, ये देखना है आज किसके बाजू में कितना दम है। और दोनों एक फाइनली एक खतरनाक टीमें आपस में भिड़ रही हैं और देखेंगे कौन किसके हाथ में क्या सेमीफाइनल का ताज पहनाया जाता है। और बने रहिए और देखेंगे किस तरीके से ईडन गार्डन मुंबई के एक उनके खुद के होम टाउन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल खुद के होम टाउन ग्राउंड पे एक मैच जो हो रहा है आज, न्यूजीलैंड को शिकस्त अच्छे रनों से देना होगी, ये तय है न्यूजीलैंड की। आज तो बहुत ही खतरनाक तरीके से टावर तोड़ पारी करी है और भाई रोहित शर्मा इतना फास्ट खेल रहे थे, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि हार्ट, भाई मेरा तो दिल बहुत दर्द करने लगा था क्योंकि दिल इतना पल्पलेट और धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था आउट नहीं हो जाएगा। वो 47 रन बनाकर आउट हो गए, उनकी हाफ सेंचुरी भी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। बट उसके बाद सुमन गिल ने 80 रन मार दिए, 79 रन पर मार के वो जख्मी हो गए थे और पवेलियन वापस चले गए। और फिर उसके बाद में जब वो रोहित शर्मा आउट होने के बाद में आते हैं अपने विराट कोहली, जो आज विराट कोहली ने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कराया है क्योंकि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरी को तोड़कर 50 सेंचुरी बना दी और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया, जो आज से 20-30 साल पुराना रिकॉर्ड था वो सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने 117 रन 113 बॉल पर बनाए थे और वही पवेलियन वापस हो गए, कैच आउट हो गया था। सेकंड टाइम में जो अभी श्रेयस अय्यर जिस तरीके से फुल परफॉर्म में चल रहे थे, बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग करी और बैटिंग करके उन्होंने भी एक सेंचुरी मार दी और सेंचुरी मारी कोहली ने, सेंचुरी 105 रन 70 बॉलों पर बनाए थे, 67 बॉलों पर सेंचुरी उन्होंने कंप्लीट कर दी थी। और उसके बाद फिर अपने आते हैं केएल राहुल, जो 20 बॉल पर 39 रन ठोक कर जाते हैं। फिर उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं उसके बाद फिर आते हैं अपने सूर्य कुमार यादव ने 2 बॉल खेलकर 1 रन, जब पहली बॉल दूसरी बॉल पर जब उन्होंने छक्के की तरफ लंबा शॉट खेला उस वक्त कौन बे ने आउट कर दिया, पहली बॉल पर दूसरे बॉल पर वो आउट हो गया, कैच आउट उन्होंने पकड़ा दिया। और इसीलिए मैच में सारा फाइनल 4 विकेट के नुकसान पर 397 रन इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया है। अभी जो चांसेस लग रहे हैं वो न्यूजीलैंड के 4% लग रहे हैं, 96% चांसेस इंडिया के हैं क्योंकि इतना हाई लेवल का स्कोर खड़ा करना एक आम बात नहीं है, भाई हाई लेवल का स्कोर है जिस तरीके से, भाई आज तो अनबिलीवेबल, भाई बिल्कुल पूछो मत किस तरीके का स्कोर खड़ा कराया। और एक प्रदर्शन जो रहा है विराट कोहली, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, रोहित शर्मा, इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और एक कम बॉलों पर अच्छे रन को बीट किया है। आज तो जो कीवी थे वो भी कंफ्यूजन में हो गए होंगे कि विकेट क्यों नहीं जा रहा है, अभी विकेट क्यों नहीं जा रहा है, विकेट के पीछे पड़े हुए थे, विकेट सिर्फ 45 ओवर सारे खेलने के बाद तब विकेट गया है और वो भी पहला विकेट, दूसरा विकेट दब गया था जब विराट कोहली का सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी, 117 रन बन चुके थे क्योंकि सेकंड टाइम जब 79 रन पर सुमन गिल खेल रहे थे तो वो चोटिल हो गए थे, उनको वापस पवेलियन में मिला। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर वो आते हैं जब बैटिंग उनकी लास्ट होती है,
तब वो दोबारा शुभमन गिल को भेजते, एक रन बनाते, 80 हो जाती है उनके टोटल, 80 बनाकर वो भी मैच को फिनिश कर देते हैं और 397 रन का हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर देते हैं एक कीवियो के खिलाफ। अब देखते हैं क्या 397 रन का स्कोर खड़ा कर पाएंगे कीवी। अभी 35 ओवर, अभी हाल ही का रिसेंटली का जो स्कोर चला 35 ओवर में कौन बेक अप विकेट चला गया है, मोहम्मद शमी ने कैच आउट करवा दिया। मोहम्मद शमी एक हाईएस्ट पावर का बॉलर है और जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने अपना प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में किया है, वनडे वर्ल्ड कप में किया है, वही बहुत ही एक समझ लो चुनौतीपूर्ण रहा है उनका जीवन संघर्ष और एक अजीब तरीके का अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है। अच्छे जो भी हमारे जो बैटर बॉलर जो भी है एक परफॉर्म फुल तरीके से 11 की 11 जो बॉलर है फुल परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज में कम नहीं है। बैटिंग में भी 5 तो एक कंप्लीटली है, पिछले नेदरलैंड के खिलाफ जो मैच था उसमें 5 लोगों ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, इसमें 2 लोगों ने शतक लगाए थे कंप्लीटली, बताओ 410 रन का टारगेट नेदरलैंड के खिलाफ था, 397 रन, 13 रन कम हुए नेदरलैंड से, बाकी तो 397 रन का 398 रन सॉरी बनाना पड़ेंगे न्यूजीलैंड को। अब क्या देखते हैं 35 रन बनाकर 6 ओवर खेलकर एक विकेट न्यूजीलैंड का गिर गया, क्या आगे कुछ प्रदर्शन कर पाएगी न्यूजीलैंड, क्या न्यूजीलैंड यहां इसको क्रॉस कर पाएगी, ये आपको लगता है? और बाकी सचिन का रिकॉर्ड इस मैच में फाइनली बान खड़े स्टेडियम में टूट गया है और जो उनके नाम जो 49वां शतक था जो वनडे कैरियर का वो उन्होंने विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है। तो देखते हैं और किस तरीके का प्रदर्शन रहा है और देखेंगे किस तरीके से मैच टीम जीतती है या नहीं जीतती है। फाइनली इंडिया ने ये मैच जीत लिया है और जिस तरीके का जीत का प्रदर्शन, जिस तरीके से इंडिया ने 397 रन का टारगेट 50 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड के साथ खिलाफ रखा था, अब वो टारगेट जब सेकंड टाइम बैटिंग पहले बल्लेबाजी करते हुए करने के लिए उतरी थी हमारी इंडियन टीम, उसके बाद जब दूसरे पक्ष में जब न्यूजीलैंड की टीम स्टार्ट होती है तो 13-13 रन पर 2 जो ओपनर बल्लेबाज थे मोहम्मद शमी ने आउट कर दिया, फुल फॉर्म में मोहम्मद शमी खेल रहे थे जिस टाइम वक्त। उसके बाद मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए हैं इस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, 7 विकेट मोहम्मद शमी, 1 मोहम्मद सिराज और 1 कुलदीप यादव और 1 बुमराह ने लिया है। ये लोगों का इतना बड़ा टारगेट है और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कि टीम का जो मैन ऑफ द मैच है वो दिया जाएगा मोहम्मद शमी को, ऐसा लग रहा है। और इसी के बीच क्या है कि जो रिकॉर्ड टूटा गया है वो सचिन तेंदुलकर का 49वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ दिया है और जो उसकी जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसका जो रन थे वो 327 रन पर ढेर हो गई, 327 रन 48 ओवर 5 बॉल पर पूरी टीम को ऑलआउट कर दिया और पूरी टीम को ऑलआउट कर ये 19 का बदला पूरा हो गया। अब देखते हैं सेमीफाइनल में किससे साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी या ऑस्ट्रेलिया से, कौन जो जीत के दोनों से फाइनल आएगा, वो फाइनल 19 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनली खेला जाएगा। आयो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।